नमस्कार दोस्तों, मैं औरल सर, आप लोग देख रहे हैं YouTube चैनल। दोस्तों आज आज मैं बहुत ही जबरदस्त क्यूज खिलाने वाला हूं, क्योंकि आज जो है आज का क्यूज है, आप लोगों ने अभी वीडियो में प्रारंभ में देखा होगा कि मैंने आज आम लेकर आया है। ठीक है, कौन बनेगा आम मंत्री, आज दो प्रश्न पूछे जाएंगे और दो प्रश्न पे एक आम इन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो आज चलिए प्रश्न जो है ये मैट्रिक क्लास की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2024 में इम्तिहान होने वाली है। ठीक है, आज दो ही प्रश्न पूछे जाएंगे, हार्ड पूछे जाएंगे और ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं दिया जाएगा और क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर सुना जाएगा और देखते हैं कि इतने बच्चे मतलब इतने छात्रों में देखते हैं कि कौन बता पाते हैं, कौन लोग नहीं बता पाते हैं और जो बता पाएंगे वो अपना जाकर टू प्रश्न पे यानी दो क्वेश्चन पे काम मिलेगा, आप उठा सकते हैं। ठीक है, वहां जाकर चलिए मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। आपसे पहले शुरुआत करते हैं, आप खड़ा होइए, क्विज खेलने के लिए रेडी हैं? यस सर। प्रश्न पूछा जाए? यस सर। चलिए आप बताइए। देखिए मैंने क्वेश्चन सेट करके लाया है भाई, एक बात बताइए। पहला क्वेश्चन आपका जाता है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाना जाता है, सॉरी औतल लेंस। बिल्कुल सही जवाब, औतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। चलिए क्वेश्चन आपसे दूसरा पूछा जाएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि दो प्रश्न पे आपका वो आम रेडी होगा। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, बताइए। हार्मोन। चलिए बहुत अच्छा, शुक्र जवाब। और आज सुबह सुबह है ना, एक आम की शुरुआत उठाइए मेहमान जाइए और आम जो है ना ले जाकर रोटी से खाइए, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि फलों का राजा है भाई, कोची है ना, फलों का राजा का छोड़ा नहीं चाहिए। चलिए आप खड़ा होइए, आपसे प्रश्न मैं पूछूंगा, आप बताइए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। सुपर। क्वेश्चन टू, सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, मतलब किस जीव का होता है, बताइए। चूहा। जोर से बोलिए। चूहा। चूहा का, हाँ जी चूहा का दिल धड़कता है। ठीक है, हाँ तभी तो गाना निकला हुआ है, जब दिल धड़कता है महसूस होता है चूहा का बहुत धक धड़कता है। चलिए आप उठाइए, वहां कैमरा ले जाइए जी उठाते समय। हाँ चलिए उठाइए। हाँ चलिए बहुत अच्छा, और आपसे प्रश्न मैं पूछूंगा, आप बताइए। चलिए आपसे प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। जोर से बोलिए। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहते हैं। सुपर आंसर आपका जी, बहुत खूब है ना। ऐसे ही आप लोग तैयार कीजिए, देखिएगा अगले पिछले साल बहुत सा बच्चे सक्सेस हुए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, क्योंकि मैं वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न लोगों को याद कराता हूँ, देता हूँ है ना, या पूछता हूँ जो मैट्रिक के परीक्षा में एकदम 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों जिन्हें याद नहीं है ना वो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और चलिए क्वेश्चन टू आपसे पूछूंगा मैं, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, बताइए। कौन सा ग्रहण? अंतग्रहण। चलिए अंतग्रहण, बहुत अच्छा। और अपना फल जो है ना उठाइए और आराम से अपने सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि अगले छात्र जो है ना नेक्स्ट छात्र से मैं प्रश्न पूछूंगा। आप खड़ा ये बनी, प्रश्न पूछा जाए आपसे? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है इनसे। आप बताइए कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्या? क्षार। कौन सा धातु? क्षार। क्षार धातु, बहुत अच्छा जी, अरे देखो भैया आम आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूँ, सबको खाता है लोग है ना, बच्चों को आम देकर कुछ क्वेश्चन पूछा करो यार, मजा आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन टू की तरफ हम चलते हैं। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मतलब इस संसार में कौन ऐसा चीज है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जीवधारी। जीवधारी सुपर है ना, वो आता है। चलिए अपना फल जो है ना उठाइए और अपने स्थान ग्रहण कीजिए। चलिए आपसे प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, एक बार बताइए टूथपेस्ट समझती है क्या होता है, उसे मुंह धो रहता है, ब्रश कहता है। चलिए बहुत अच्छा, तो बताइए ना कि टूथपेस्ट जो होता है ना स्वाद में कैसा होता है? जोर से बोलिए। क्षारीय होता है, बहुत अच्छा जवाब इनका भी। और प्रश्न टू आपसे पूछा जाएगा कि कौन विद्युत का सुचालक होता है, मतलब विद्युत का सुचालक का नाम बताइए क्या होता है? ग्रेफाइटा। ग्रेफाइट होता है, ठीक है, टा मतलब ये ग्रेफाइट होता है। चलिए बहुत अच्छा जवाब इनका भी, आप अपना फल लीजिए और आप खड़ा होइए। आपसे प्रश्न पूछा जाए, एक बात बताइए
अमीटर से किसे मापा जाता है? पहले सीधा खड़ा होइए, बोल बताइए, अमीटर से किसे मापा जाता है? धारा से। अमीटर जो होता है किससे मापा जाता है? जोर से बोलिए, धारा से। बहुत अच्छा जवाब इनका भी। चलिए प्रश्न आपसे दूसरा है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। बहुत अच्छा, चलिए और बैठिए। चलिए प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक बार बताइए विद्युत वाट का एसआई मात्रक कहाँ होता है, क्या होता है? वोल्ट होता है। बहुत अच्छा जवाब, वाट का एसआई मात्रक जी वोल्ट होता है। अब प्रश्न दूसरा बताइए, किसी माध्यम में प्रकाश के चाल सबसे अधिक होता है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? बताइए, पानी। सुपर जवाब, चलिए अपना इनाम जो है ना अपना उठाइए और स्थान ग्रहण कीजिए। चलिए बने आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रश्न, जोर से बोलिएगा, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, पुष्प में। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। बहुत अच्छा, थोड़ा सा आप आंसर को लाउडली बोलिए, जोर से बोलिए, मेंडल ने अपने अनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का पौधे में। बहुत अच्छा दोस्तों, मेंडल का आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेंडल ने जो अपना प्रयोगिकी दिखाया था वो था आपका मटर का पौधा। बहुत अच्छा जवाब, और आप लोग भी याद, आप लोग को आई होप याद होगी, मुझे मालूम है। चलिए उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि आप लोग को कितना प्रश्न याद है, इन बच्चों के प्रश्नों से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है देख लीजिएगा। चलिए इनसे मैं पूछना चाहूंगा, एक बात बताइए आप, सबसे भारी धातु कौन सा होता है? सीजियम। बहुत अच्छा, सीजियम जो होता है ना दोस्तों, सीजियम जो होता है धातु सबसे भारी धातु होता है। क्वेश्चन प्रश्न आपसे टू पूछा जाएगा, है ना, किस धातु से सोलर सेल बनता है? किस धातु से सोलर सेल बनता है? बताइए, सिलिकॉन से। बोलिए, सिलिकॉन या सिलिकॉन? सिलिकॉन सही जवाब है। बोलिए, सही जवाब है, किस धातु से सोलर सेल बनता है? सिलिकॉन से। बहुत अच्छा, सुपर जवाब, डरिए मत, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ तो आप डरिए मत। चलिए ये अपना लीजिए और बैठिए, आम खाइए, आनंद लीजिए, है ना, आम खाइए, घाम में मत जाइए, क्योंकि कहा जाता है ये गर्मी बड़ा बेशर्मी है, रात दिन सताए, घना सुने होंगे, है ना, रात दिन सताए भाई नींद नहीं आए, तो कहा कीजिएगा, बहुत धूप है, है ना, धूप में आप लोग भी कहीं मत जाइए दोस्तों, क्योंकि धूप अगर मार देगी ना लू लग जाएगा तो फिर क्या हम कहें क्या कहें। आगे चलिए इनसे प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं कि ये प्रश्न बताती है कि नहीं, डरी सी लग रही है ना। एक बार बताइए, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सात। वाह वाह, बहुत अच्छा, सात सहसंयोजक बंधन सात होते हैं, सुपर जवाब। एक बार बताइए, क्वेश्चन दूसरा पूछा जाए आपसे कि तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तेलचट्टा में 10 पाए जाते हैं श्वास रंध्र। बहुत अच्छा, 10। बस ये लीजिए सोने का आम, बैठ जाइए। बहुत अच्छा जवाब आपका भी, आपसे मैं प्रश्न पूछूं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। जोर से बोलिए, CaCO3 जो होता है ना, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, इन्होंने कहा है। बहुत अच्छा जवाब, प्रश्न टू पूछा जाए आपसे, जंग रोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु। बहुत अच्छा जवाब दोस्तों, मिश्र धातु है, ये देखिए मैंगो। हाँ जी, आपसे प्रश्न पूछा जाए, थोड़ा सा कैमरामैन उधर दिखाइए, है ना, फोकस लीजिए हमारे छात्रों पे ताकि ये लोग देखते हैं बता पा रहे हैं या नहीं। एक बात बताइए, कौन अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस दोस्तों जो है ना, ये अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। सुपर जवाब, बहुत अच्छा है। प्रश्न से दो पूछा जाए, मनुष्य में
किसे संबंधित है? जो वृक्का का है ना मनुष्य में है ना, वो किसे से संबंधित है? उत्सर्जन से। सही जवाब इन्होंने दिया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। चलिए ये तोहफा अपना बैठिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताइएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। बहुत अच्छा। दूसरा पूछा जाए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। चलिए बहुत अच्छा जवाब उनका, जनित्र कहा जाता है। और आपसे प्रश्न पूछा जाए, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत बताइए? सूर्य। बहुत अच्छा जवाब है ना, सूर्य तो होता है ना, सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। सूरज अगर नहीं होता तो क्या होता भाई, आप लोग सोच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन दूसरा पूछना है आपसे, कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा जो होता है ना उसमें क्या पाया जाता है बताइए? स्पर्श। चलिए बहुत अच्छा जवाब, स्पर्श पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताइए अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? उत्पाद। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। चलिए क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है, किसकी अभिगत के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन के कारण जो है ना हमारी शरीर की जो रक्त है, ब्लड है, खून है, वो लाल दिखाई देता है। बहुत अच्छा सुपर जवाब। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। चलिए बहुत अच्छा जवाब, आधार कार्ड होता है लेकिन 12 अंक पाए जाते हैं। और क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा, विश्व में जल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 22 मार्च। जोर से बोलिए, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा कैमरा मैन इधर आइए आप थोड़ा सा, और मैं उन लोगों से कहूंगा थोड़ा पहुंचा दीजिए गिफ्ट। हाँ, उन लोगों से मैं प्रश्न पूछ लूं। चलिए आपसे पूछा जाए, एक बात बताइए, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वायरेक्सिन। बहुत अच्छा जवाब, वायरेक्सिन निकलता है। चलिए दूसरा प्रश्न मैं पूछूंगा, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? फिलोपियन नलिका में। फिलोपियन नलिका में। भाई चौथा, और बैठ जाइए है ना, आराम से खाइए, आटी को चूस कर फेंक दीजिए। फेंक दियो भैया मत। चलिए प्रश्न दूसरा पूछा जाता है इनसे है ना, प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से। बहुत अच्छा सुपर जवाब। आगे नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप जो होता है ना उसमें जाइलम जो होता है उत्तरदायी है, किससे कारण बताइए? जल का वहन। बहुत अच्छा सुपर जवाब। चलिए प्रश्न आपसे पूछा जाए, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवसाय है? कर्नाटक। बोलिए, कर्नाटक की। बहुत अच्छा सुपर जवाब है ना। चलिए प्रश्न दूसरा, एक उभयलिंगी जंतु का नाम बताइए? केचुआ। बहुत अच्छा है ना, एक उभयलिंगी जंतु का नाम जो है केचुआ है, ये पकड़िए। और प्रश्न आपसे बाबू, आप खड़ा होइए। चलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बहुत अच्छा, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन। इसका भी जवाब है। अब मैं बोलिए, मानव हृदय में कीटों की संख्या कितनी है? 4। अब ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोलिए जोर से, C6H12O6। बहुत अच्छा सुपर जवाब। दोस्तों आज का क्यूज आप लोगों का कैसा लगा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन बनेगा आम मंत्री है ना, का क्वेश्चन जो है ना, एक दो प्रश्न पर एक आम है ना बच्चों को दिया जा रहा था, ताकि इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई भी हो सके। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो हमारे नए मेहमान आए हैं वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। बाय, नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भारत।